सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, क्या राजनीति के द्वारा भी कोई आध्यात्मिक हो सकता है, मुक्ति पा सकता है, स्वर्ग पा सकता है? देखिए, हम कौन सा कार्य करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। हम किस नियत से कार्य करते हैं, हमारी उसमें आसक्ति है या नहीं है, उसे हम ईश्वर को सौंप के करते हैं या नहीं करते हैं, सबके हित के लिए करते हैं या उसके पीछे जो है हमारी अपनी कोई स्वार्थ नीति छुपी हुई है, इसके ऊपर सारा निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि कोई कुटिया में बैठ करके जब तब करता है वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, और कोई गृहस्थी में है तो वह नहीं प्राप्त होगा, कोई जंगल चला गया, गुफा में चला गया है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, और कोई राजनीति में है तो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं। इस तरह की अवधारणा गलत है। आपकी नियत ही मायने रखती है। यदि आपका समर्पण है ईश्वर के प्रति तो एक राजनीतिक व्यक्ति भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसमें जो है सबके कल्याण की निष्ठा होनी चाहिए। अपने लिए वह कुछ नहीं कर रहा हो, दूसरों के लिए कर रहा हो, वह उससे कुछ स्वयं प्राप्त नहीं कर रहा हो, उसमें मन जो है नाम पद प्रतिष्ठा धन जन इनमें से किसी को भी वह प्राप्त नहीं कर रहा हो, तो जब ये सब कुछ भी नहीं ले रहा हो, ईश्वर के चरणों में समर्पित है, पूरे जनता के लिए वह कार्य कर रहा है, तो वह राजनीति भी आध्यात्मिक है। उससे उसकी अंतर यात्रा हो जाती है, वह न्यायपूर्ण कार्य कर रहा हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, तो उसके उद्देश्य जब पवित्र हैं, उसका मन पवित्र है, तो मन की पवित्रता ही तो अध्यात्म में महत्वपूर्ण है। तो मन की पवित्रता शुद्धता से ही तो कोई व्यक्ति स्वर्ग पाता है या मोक्ष पाता है, तो इसलिए वह प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, एक राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, इसीलिए युद्ध करने के लिए बताया। और कहा है कि तुम युद्ध करो, तुम जीतोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करो। तो कहा कि अगर तुम जीते जी रहे और युद्ध को जीत गए तो इस जमीन को तो प्राप्त करोगे ही, और अगर मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करो। तो स्वर्ग की प्राप्ति की बात तो वहां राजनीतिक उद्देश्य से भगवान बता ही रहे। अथ उत्थिष्ठ स्वर्गम जित्वा वा भक्षसे मही, तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। तो कह रहे कि युद्ध का निश्चय करो, उठो युद्ध करो। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि यहाँ तो भगवान यह भी बता रहे हैं कि तुम संसार के सुखों को भोगोगे, लेकिन वास्तव में राजनीति में तो यह होना चाहिए कि मैं जीता भी रहूं, नहीं भी मरूं, तो भी जो है मुझे कुछ नहीं भोगना है, प्रभु ही भोगेंगे। और सब कुछ जो है प्रभु के लिए किया जा रहा है। इस सोच समझ के साथ जो करेगा राजनीति वह मुक्ति पा सकता है। स्वर्ग की तो बात ही क्या है।
हरिओम।